अगले 3 से 4 महीनों में, आने वाले 3 से 4 महीने का मतलब होता है दिसंबर 2019 19 में ऐसा कुछ कर देना है, ऐसा कुछ कर देना है कि बहुत कम समय में बहुत, मैं पूरे मास्टर वीडियो 2019 में देने वाला हूँ। पूरे का मतलब क्या, देखो जीएस में मैं बहुत अच्छी पकड़ रखता हूँ, नो डाउट इस चीज़ को लेकर के, और नहीं रखता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो फिर हो जाता है। तो अभी तक जितनी मेरी पास है, तो मैं आपको कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिसका मास्टर वीडियो ना दूं। यानी मैं अर्थव्यवस्था अभी दे रहा हूं, पर्यावरण है, आपका इथिक्स है, इथिक्स भी आएगा बहुत जल्द, मेरा बड़ा विचार है, बड़ा बड़ा मजबूत, मेरा इथिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है यदि देखा जाए तो, क्योंकि मैं खुद भी इथिकल पर्सन हूं और मुझे समझाने में भी बहुत मज़ा आता है इथिक्स को, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इथिक्स है आपको, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल जस्टिस है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो सब्जेक्ट आपने सोच रखे हों सबको मैं इजी कर दूंगा चुटकियों में। एक समय ऐसा आएगा कि आपको कुछ नहीं करना होगा, कल एग्जाम है, एक बार देखिए, यदि आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ मैं डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, इसको मुझे पढ़ाने में 1.5 महीने भी लगते हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपको एक क्लास में, दो क्लास में भी मिल जा रही है, पूरी का पूरा कंटेंट शॉर्ट है, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स टाइप में बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि मैं 4 महीने में कुछ, अब रात दिन खपा के मैं यहीं सोऊंगा, ठीक है, यहीं सोऊंगा, यहीं अपना जितना टाइम मेरा होता, मैं 1 मिनट भी खाली होता हूं तो गाड़ी लेके सीधा यहीं ऑफिस पहुंचता हूं, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, नींद नहीं आई तो पूरा प्रयोग यहीं करूंगा। और मैं 4 महीने के अंदर अंदर आपको मैं गारंटी देता हूं कि मैं एक बड़े स्तर का काम करने जा रहा हूं, इतने बड़े उद्देश्य। अभी तक मैंने 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारा कंटेंट दे दिया, लेकिन अब 4 महीने में मुझको खुद के साथ भी प्रयोग करना है कि मैं कितना इस पर मजबूत उठता हूं, और मुझे रात दिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये भी बात है, और मैं तैयार भी हूं। तो मैं एक अल्टीमेट गोल लेके चल रहा हूँ, और गोल सिर्फ आप लोगों के लिए है कि जितना जल्दी से जल्दी हो ये एक उपयोगी कंटेंट आप लोगों तक पहुँच पाए, बहुत उपयोगी कंटेंट। ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये कंटेंट आपको फील कराएगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब फील कराएगा। और एक चीज़ बताऊँ, ये बोर्ड नहीं है, इस बोर्ड में क्वेश्चंस हैं। मुझे बड़े मैसेज, जब मैसेज आते हैं ना कि सर एक एग्जाम आज दे कर आए, आज 30 क्वेश्चन फंस गए पूरे मास्टर वीडियो से मिला करके, यदि 100 में 30, 35, 40, मुझे पता है यदि पूरे देख के जाओगे ना पूरा पूरा पेज निकल आएगा पेपर का, यदि 100 क्वेश्चन होंगे 100 में 60 में सिलेक्शन होगा ना तो इनसे निकल आएगा, जितने भी आपके टॉपिक आएंगे इतना, फिर इनके मैं वर्जन निकालूंगा, वर्जन 2.0, इकोनॉमी 2.0, ये भी करूंगा आगे चल के। ऐसा नहीं कि मैं जिंदगी में फिर मास्टर वीडियो बनाना खत्म कर दूंगा, लेकिन पहला उद्देश्य है कि यूपीएससी का पूरा सिलेबस समेट के रख देना है बहुत कम समय में। ऐतिहासिक होना चाहिए कि भाई 70-80 घंटे बैठिए, पूरा सिलेबस मास्टर वीडियो के थ्रू खत्म कर लीजिए, चाहे जो सब्जेक्ट हो, जैसा सब्जेक्ट हो, चाहे जितनी ज़्यादा चैलेंजेस रखता हो, फिर मैं ऑप्शनल में भी उतरूंगा। अरे मेरा बस चला, 3 से 4 ऑप्शनल में अच्छी पकड़ है मेरी, UPPCS में सोशल वर्क में अच्छी पकड़ रखता हूँ, डिफेंस में अच्छी पकड़ है मेरी, इतिहास में बहुत अच्छी पकड़ है मेरी ऑप्शनल को लेकर के, पॉलिटी में बहुत अच्छी पकड़ है चूँकि मेरा मास्टर पॉलिटी से ही है। तो मैं 3-4 ऑप्शनल को भी मैं ऐसे ही निपटाऊँगा आने वाले समय में। इसके बाद मेरा उद्देश्य है कि जितने भी आपके स्टेट हैं, 29 के 29 स्टेट, सभी स्टेट के बारे में मास्टर वीडियो के थ्रू पढ़ाना, यूपी का, बिहार का 2 महीने दिया है, उसी तर्ज पे MP से लेके पूरा देश, आप देश के बारे में जान भी जाओगे, नॉलेज भी पा जाओगे, और कल के दिन एग्जाम दोगे तो दे दना दन। तो मैं तो भाई इस गोल से चल रहा हूँ, यही गोल आपको भी बनाना चाहिए। अब आप पढ़िए, अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं जूझेंगे तो कब पढ़ेंगे, जवानी में या बुढ़ापे में? अब उम्र है, अभी समय है, अब जूझ जाइए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, 1 मिनट का भी मूल्य समझिए, यदि अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में हम बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, अब लेट हुए तो अब कहाँ जाएंगे? तो इसलिए थोड़ा सा अपने जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण बनाइए। मास्टर वीडियो के माध्यम से मैं बहुत आसान भाषा में सबको चीज़ें देना चाहता हूँ, और मेरा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि एजुकेशन फ्री हो, मैं नहीं चाहता कि एजुकेशन पेड हो, संसाधनों के कारण से चीज़ें पेड करनी पड़ जाती हैं, मजबूरी होती है। मैं आने वाले समय में चीज़ें फ्री करूँगा बड़े स्तर की, बस ये है कि एक बार पेड करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, नहीं तो आप रोड पे नहीं पढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन मेरे पास चीज़ें आ गई ना तो आप देखिएगा, या फिर कोई सपोर्ट करेगा, कुछ भी करेगा, तो मैं खुद सारा कुछ फ्री कर दूँगा। लेकिन ये एक ऐसी तर्ज होगी ना जिस तर्ज के माध्यम से लोग अलग तरीके से पढ़ना सीखेंगे, जानना सीखेंगे। सबको आज के टाइम में दौड़ भरी दुनिया है, सबको चाहिए पैकेट बंद दूध, कोई बॉयल नहीं करना चाहता, सबको है कि पहले से ही पाश्चराइज्ड दूध आ रहा है, ऐसे ही बस ऊपर से थोड़ा सा उसको काटा, काटने के बाद पी लिया, तो ये पाश्चराइज्ड दूध की तरह रहेगा, मिल्क की तरह, पैकेट बंद है, थोड़ा खोलिए, थोड़े में पूरा मसाला है, 2 घंटे में आपकी पूरी दिमाग की गंदगी साफ, आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल का,
आपकी पूरी ब्रेन पावर बढ़ गई, आपका जितना नॉलेज है आपको बूस्टअप, आपको लगा रहा है यार मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, 4 से 5 बार देख के जाओगे फिर आनंद आ जाएगा। और एक बार मैं ये कर पाया तो फिर इसके बाद सुकून से जो है दूसरे काम करने में मजा आएगी। ठीक है, दूसरी थीम बताता हूँ मैं अपनी, एक दूसरी थीम मेरी, एक बहुत बड़ी इच्छा है, मेरी इच्छा है पूरे भारत को घूमने की। मैं जब भी मतलब सुकून मिलेगा ना, मैं जल्दी से ये काम निपटाऊँ, निपटाने के बाद मेरी दूसरी मंशा है कि मैं बस ऐसे ही रहे। जैसे मैं अभी बताऊँ, मैं अभी हिमाचल गया था तो एक मुझे एक मित्र मिले, वो इसराइल से थे और बगल में ही बैठे मेरे। मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ से क्या है, तो बोले कि मैं इसराइल का बेरोज़गार युवक हूँ। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, तो मैं बेरोज़गार युवक हूँ और मैं मुझे इसराइल सरकार बेरोज़गारी भत्ता देती है और बेरोज़गारी भत्ता $500 के आसपास मुझे मिलता है। अब चूंकि बेरोज़गारी भत्ता $500 मिलता है तो भारत जैसे देश के लिए अच्छी खासी सैलरी होती है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे? अब बोले कश्मीरी गेट से कोई दूसरी बस पकड़नी है। तो मैंने कहा दूसरी बस कहाँ जाएगी? बोला कंडक्टर बताएगा। ये लाइफ एक जीनी है मुझे, बस बस से उतरो, कहीं भी बैठ जाओ, भारत का कोई भी कोना मिले जाओ, घूमो, देखो, पढ़ाओ, मुझे मतलब पूरा भारत पढ़ाना है, घूम घूम के टहल टहल, मेरी इतनी इच्छा है, पैदल भटको, पैदलों जो है पहाड़ों में, यहाँ पे घाटियों में, रेगिस्तान में, ज्वालामुखियों में, बैरन द्वीप में खड़े हैं। ठीक है, ये मतलब ये सब जो बहुत बड़ा मेरा डिजायर है, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ करके मरना चाहूँगा और ये चीज़ मैं करके जाऊँगा। जब मैं बहुत जल्द बता रहा हूँ, बहुत जल्द हो सकता है 1 महीने की छुट्टी में निकल जाया करूँगा, एक बार ये कर लूँ। हाँ, साइकिल नहीं, पैर बहुत अच्छे हैं, साइकिल कहाँ ले लेके, वो ट्रेन में कोई घुसने देगा साइकिल लेके या कहीं पर भी? तो मैं बहुत जल्द मतलब एक ये लाइफ जीनी है, बहुत लंबा टाइम नहीं लेना इस चीज़ पे। लोग कहते हैं अब घर वालों का जोर है कि प्रशासन में जाइए, आप क्यों नहीं एग्जाम डालते, आप फॉर्म नहीं डालते, आप ये नहीं करते, उनका अपना जोर जबरदस्ती है। तो मुझे ये कि जल्दी जल्दी ये कर लो, नहीं तो कल के दिन वो अभी तो फॉर्म की बात कर रहे हैं, दूसरे दिन वो शादी की विवाह की बात करेंगे, तो फिर फंस जाएंगे हम। एक बार मतलब देश भ्रमण करके फिर जिंदगी किसी भी राह पे जाए, खत्म। मतलब वो प्रैक्टिकल एजुकेशन देना चाहता हूँ मैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन। आप मुझे देखे होंगे, मैं एक देवप्रयाग वाला जैसे आपने देखा था, वो खड़े हो गए, बस कुछ नहीं किया, ट्राइपॉड लगा है, चीज़ें होंगी चल रही हैं, ड्राइवर जो मुझे लेके गया था उसी को मैंने कैमरा पकड़ा रखा था। तो मैं ऐसे ही करूँगा, बहुत कम उसमें पूरा देश भ्रमण करते हुए चीज़ों को बताना, जितनी चीज़ें पढ़ करके जितना ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल दिखाना कि भाई ये है देखो इस चीज़ को। द्रविड़ कला शैली पढ़ाना, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के बाहर खड़े हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं, देखो द्रविड़ कला शैली ये है, गोपुरम ये है, ये खजुराहो के टेंपल में नागर कला शैली पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके चीज़ें। मतलब बड़ा बड़ा डिज़ायर है मेरी, इतनी मनसा है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है मैं भाग जाऊँ छोड़ छाड़ के, अब बस देश के एक एक कोने में मिलूँ आपको, कल वहाँ से वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, तो बस ये सब मैं कर लूँ। पहले ये मैंने अब टारगेट बनाया है कि इस दिसंबर तक मैं मास्टर वीडियो पूरे दूंगा और देने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने कोई और रहेगा, आपकी क्लासेस चलेंगी, क्लास नहीं बंद होगी, लेकिन 1 महीने में इतना रिसर्च करके आ जाऊँगा घूम टहल के, इतना चीज़ें क्रिएट करके आ जाऊँगा कि आपको बहुत कुछ दूंगा, फिर प्रैक्टिकल अनुभव दूंगा चीज़ों को। मेरा भी इच्छा कि श्रीनगर में खड़े होकर, वादियों में खड़े होकर, सियाचिन ग्लेशियर में खड़े होकर उन सब चीज़ों के अनुभव लिए जाएं। ये सब प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं होती, आमतौर पर सब पढ़ रहे हैं बस, नक्सलवादी के इलाकों में जाके खड़े होकर वहाँ का अलग अनुभव, वो अलग भय प्रतीत करते हुए कि नक्सलवाद ऐसा होता है, ये होता है, पीछे डर भी लग रहा है कि आ तो नहीं रहा कोई, वो सब चीज़ें जो है ना वो फीलिंग के साथ पढ़ाना। नक्सलवाद यहाँ से पढ़ाना क्या पढ़ाना, यहाँ तो किताबी कीड़े हैं हम, वहाँ फील करता है एक व्यक्ति साथ जो उस गतिविधियों में संलिप्त रहा है, उस गांव में जाके बैठना, उनके साथ चाय पी के बात करना, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें एक बार जीना है और इसके बाद फिर सुकून से जो होगा देखा, रिटायरमेंट लिया जाएगा या जीवन में और कुछ किया जाएगा। तो बस ये है कि अब मैं बहुत उसमें लगने वाला हूँ, आप लोग भी प्रयास करिए, हो सकता है आपको हर वीक में एक मास्टर वीडियो दूँ, हर वीक में मैं सब्जेक्टों को बहुत गहराई से पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं हो चुका हूँ पागल मेंटली। हो सकता है कुछ दिन बाद आप भी घोषित कर दो, मैंने अपने आप को घोषित कर दिया है कि मैं पागल हूँ कुछ समय के लिए। अब वो पागलपन सवार हो चुका है ना, मुझे अब नींद आती है, रात को कभी 3 बजे उठ जाता हूँ, कभी 4 बजे उठ जाता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ तो पिछले 1 सप्ताह से मैं सो ही नहीं रहा हूँ, यहीं पे आके लेटा रहता हूँ, काफ़ी देर तक लेटा रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, पढ़ने के बाद फिर उठ के इस पे आ जाता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो अब मैं दूसरे जोन में जा चुका हूँ और मैं आपको इतना कंटेंट देने वाला हूँ, इतना कंटेंट देने वाला हूँ कि अब आपके ऊपर है, आप संभाल पाओ। मैं प्रहार पे प्रहार करता जाऊँगा, अपने दिमाग को अब बना लो कि आप भी उस प्रहार को सह पाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर का दर्द क्या है, आज ये है कल के दिन बस फिट, फिर 4 दिनों बाद। शरीर का दर्द कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नहीं आपके जीवन में,
शरीर सुकुमार चीज है, जितना कमजोर बना दो उतना कमजोर हो जाएगा। हम तो वो आदमी है कि आपको एक सप्ताह बिना खाने के भी रह जाए, बिना सोए रह जाए। तो आपको बॉडी को बनाना चाहिए ऐसे। 3 घंटे, 1 घंटा आपने एहसान कर दिया मेरे ऊपर कि 1 घंटे से बैठे हैं। आपने, आप क्या है ना, आपके साथ दिक्कत है, जस्टिफिकेशन है हर चीज का। आपके पास ये नहीं कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें अपनी गलती को और उस पर इम्प्लीमेंट करें। रोकिए सब कुछ चीजों को, अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल कीजिए। पता है कि 2 घंटे 3 घंटे क्लास में बैठना है तो प्रॉपर बैठना है। जवाब तैयार है पहले से ही, सवाल शुरू होने से पहले ही जवाब है। तो जीवन में होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कन्फ्यूजन रहेगा। मैंने आप लोगों से एक बात और कही थी कि मैं नया प्रोग्राम चलाने वाला हूँ। नए प्रोग्राम को लेकर इस वीक पूरी चर्चा होगी मेरी। मैं नया प्रोग्राम चलाने वाला हूँ आपको टारगेट को लेकर के। मैं आपकी सेल्फ स्टडी का एक जोन क्रिएट करूँगा, जो आप घर में पढ़ेंगे वो टारगेट मैं दूंगा और उसको लॉन्च करेंगे हम, अच्छे बड़े स्तर पे करेंगे। उसका पहले प्रॉपर प्रमोशन होगा, चीज़ें होंगी इसी अगले वीक से। मैं बच्चों को, अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आज से मैं अचानक चालू करा दूं। इस वीक में बुक्स जो हैं सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। मैं भी उस पर प्रोफार्मा बना रहा हूं कि कैसे मैं आपको सेल्फ स्टडी घर के लिए टारगेट दूं। वो एक अलग जोन होगा 2 घंटे का, जो आप घर पे मेरे साथ बैठेंगे। मैं पढ़ने का पहले तरीका बताऊंगा आपको और पढ़ने के तरीके के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। जितना मैं वो 2 घंटे दो मुझे बस इनफ है, 2 ज़्यादा हो जाए 3 दे दो, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से सारी NCERTs जितनी भी आपके पास हैं सब का हर वीक में एक टारगेट प्लान बनाऊंगा। उस टारगेट को आपको पूरा करना पड़ेगा। जो नहीं कर पाएगा वो पीस रेस से धीरे धीरे हटता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये जो प्रोग्राम है आपका, इस वीक में हम पूरा डिज़ाइन कर लेंगे, चर्चा कर करके इसको डिज़ाइन कर लेंगे। अगले मंडे से लॉन्च होगा ये, अगले मंडे से मैं आप सबको टारगेट देना शुरू करूँगा। बुक लूँगा, बुक का महत्व बताऊँगा, इम्पॉर्टेंट क्यों है इस एग्ज़ाम के लिए, और उस बुक को आपको 7 दिनों में 8 दिनों में ख़त्म करना होगा। कैसे पढ़ना होगा वो मैं बताऊँगा। ये नहीं है कि आप अपने शर्तों के हिसाब से पढ़ें कि पढ़ रहे हो पंचवर्षीय योजना चल रही है, किताब ख़त्म हो रही है 5 साल में, वो नहीं रहेगा। मैं 7 दिन में कहूँगा तो 7 दिन में जिस तरीके से कह दूँ बस उस तरीके से पढ़ लेना बस, बाकी ना रटंत चाहिए ना कुछ चाहिए, बस जितना कर लेना जितना मैं बोल दूं उतना करके बस मेरे पास आके सबमिट करके दिखा सकते हो। नहीं दिखा सकते तो मैं किस किस का देखूंगा? आपको मोरली आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपने उस काम को ईमानदारी से किया है। तो ये काम हम लोग अगले मंडे से चालू करने वाले हैं, एक कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो है टाइम यही रहेगा 9 बजे का। कल मैं टाइम से आऊँगा, मुझे आज रात भर नहीं जगना है, टेंशन मत लीजिए। आज मैं सुबह 8 बजे ही यहाँ से निकला हूँ, ठीक है, और सुबह सुबह जाने के कारण से कोई बात नहीं। 9 बजे आप क्लास कीजिएगा पबैठ की, ये वीडियो आ जाएगा, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो मुद्दा ये है आप अपनी क्लास कीजिए, किसी को कोई नहीं, इसीलिए मैं अलग से क्लासरूम अपना बना लिया हूँ। ये सिर्फ मास्टर वीडियो की क्लासरूम है, जब तक मैं इस पर अकेले अपना वर्क करूँगा। मुझे पॉलिसी बात, पॉलिसी गिरी बहुत बढ़िया इनसे। ये जो आप डीलिंग वाली पावर बता रहे हैं ना, वास्तव में है आपके अंदर, लेकिन मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। 11:30 बजे मैं अपना सब्जेक्ट भी तो पढ़ाऊँगा, मेरा वाला भी तो है, ये थोड़ा है सुविधा सबके लिए उपलब्ध है। पबैड वाले पबैड करें, लेकिन 9 बजे से आप जो लोग आएंगे यहाँ पे, जो बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो मैं ऐसे ही पढ़ा के चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे अब करना है काम। बोर्ड चाहिए खाली ताकि अगला काम चालू हो इस पर, ठीक है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे यहाँ लाइन से बोर्ड लगवाऊंगा 4, 6, 8, बस भरे रहेंगे, उनको भरते रहना। प्रोडक्ट चल रहा है एक में, किसी में ये रनिंग बहुत पेंडिंग है ना। अभी तो भूगोल का मास्टर वीडियो पेंडिंग पड़ा है, फाइनल एपिसोड आना है भारत के भूगोल का, विश्व के भूगोल का 2रा फाइनल एपिसोड आना है, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पार्ट आना बाकी है, वो करना है मुझको। तो अभी तो मेरे पास, मतलब मैं सोचो कितना काम लेके बैठा हुआ हूँ। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में आई तो अब बैठना है, बस अब लेटे रहना है, काम करते रहना। तो यहाँ पे अभी बोर्ड लगवाऊंगा 4, 6, बस भरते रहना है, भरते रहना। कुछ बोर्ड उठा के ऐसे रख दिए, ऐसे करके करवाना है। तो अब काम बहुत फास्ट है, कल 9 बजे ही क्लास होगी टाइम से हमारी, आप लोग उसमें उपलब्ध रहिए। अभी आपकी करंट की क्लास है उसी तरफ रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी साथ रहो, टेंशन मत लो, सफ़र सुहाना होगा। बस ये कि अपनी आदतें सुधार लो थोड़ा सा।